Clash of Clans. Hi guys, मैं हूं मंजीत and you guys are watching Clash of Power YouTube channel. So guys, आ चुके हैं एक और Clash of Clans की वीडियो के साथ. तो guys, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये वाला वॉर बेस यार काफी कॉमन हो चुका है एंड हर वॉर में यार ये वाला बेस आपको देखने को मिल ही जाता है. तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस बेस को यार 3 स्टार कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से. सो जिसने भी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार फटाफट से यार सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल दबाओ. एंड आज की इस वाली वीडियो पर गाइज लाइक एम करेंगे पूरे 30 लाइक्स का. सो फटाफट से 30 लाइक्स कम्प्लीट करवाओ. तो चलिए गाइज दोनों पैरों में छलांग लगाते हैं आज की इस वाली वीडियो की तरफ. सो हे गाइज एक बार फिर से यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड यहाँ पे हम लोग लाइव अटैक करने वाले हैं गाइज. एंड आर्मी कंपोजिशन यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं 3 लाइटिंग का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे यार देख सकते हो गाइज. एंड इस बेस में यार मैक्सिमम टाइम सीसी में होता है यार गाइज, लावा हाउंड एंड या फिर कुछ भी जो कि यार ग्राउंड ट्रूप्स को टारगेट करता है वैसे मैक्सिमम टाइम इसमें होता है यार लावा हाउंड. सो मुझे नहीं पता यार इसके सीसी में क्या है. सो सबसे पहले तो यार मैं किंग एंड क्वीन से यार यहाँ पे एक अच्छा सा फनल क्रिएट करना चाहता हूँ एंड 3 लाइटिंग यार मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं एक ए डिफेंस को यहाँ पे निकाल लूँ. एंड सीसी के बाद सीसी में अगर मेरे पास हेस्ट होती तो यार और भी अच्छा ये अटैक जा सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है. एंड हेस्ट नहीं है गाइज अभी मेरे पास एंड देख सकते हो गाइज 17-18% अभी अब तक हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है. एंड अपना किंग ने काफ़ी सारा यहाँ पे सही काम कर दिया एंड क्वीन अभी अपने पास पड़ी हुई है. सो सबसे पहले तो मैं सीसी चेक कर लेता हूँ. ओके तो सीसी में कुछ भी होगा जो कि यार ग्राउंड होगा या फिर एयर वगैरह तो कुछ भी नहीं है जो कि यार एयर ट्रूप्स पे टारगेट करता हूँ, मैं भी बॉलर्स हों या फिर लावा हाउंड हो. तो सबसे पहले तो यार मैं इन दो एयर डिफेंस को निकाल देता हूँ यहाँ पे एंड 35% हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है. सो अभी देखना गाइज लून की पासिंग आपको कैसे करनी है. तो सेम टू सेम गाइज अगर आप ऐसे लून की पासिंग करोगे तो आप यार किसी भी टाउन हॉल 9 के बेस को 3 स्टार निकाल सकते हो. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक मैक्स लेवल का लावा हाउंड छोड़ दिया एंड यहाँ पे आएंगे कुछ बैलून्स. सो यहाँ पे क्वीन भी है यार अपोनेंट की, आप या तो सीसी में हेस्ट यूज़ कर सकते हो या फिर मैक्स लेवल की स्केल्टन स्पेल. और करना क्या है फिर उसको रेज के अंदर आपको स्केल्टन स्पेल दे देना है अपोनेंट की क्वीन के ऊपर जिससे कि यार वो फटाफट से अपने स्केलीज उसको डाउन कर लेंगे एंड ये अटैक स्ट्रेटजी भी आपके लिए सही रहेगी. तो 52% हम लोग ने यहाँ पे अभी तक निकाल लिया है एंड यहाँ पे विजा टावर हैं 2. सो अगर हमारी क्वीन भटकती ना उस समय यार वो 2 विजा टावर को निकाल लेती तो और भी अच्छा अटैक हो सकता है गाइज. लेकिन यहाँ पे विजा टावर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देंगे अपने बैलून्स को एंड अपने पास हेस्ट भी नहीं है. अगर हेस्ट होती तो यार अपनी हेल्थ यहाँ पे बैलून्स की शायद कम नहीं होती. यहाँ पे देखो गाइज यार कैसे टारगेट कर रहे हैं विजा टावर यहाँ पे. अगर अपने पास हेस्ट होती तो यार आराम से 3 स्टार निकाल लेते एंड यहाँ पे हेस्ट दे देता फिर तो मैं. हमारे पास सीसी की यार स्पेल नहीं है यहाँ पे, सीसी में मैंने कोई भी स्पेल अभी तक यूज़ नहीं किया है एंड ट्रूप्स अभी मेरे पास बचे हुए हैं गाइज. यहाँ पे 2 विजार्ड बचे हुए हैं, 3 गोब्लिन एंड 3 आर्चर्स भी अपने पास बचे हुए हैं एंड इनको अगर मैं यूज़ ना करूँ तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि यार यहाँ पे अपने पास वो हैं बॉलर्स निकल चुके हैं यार सीसी से, अपोनेंट के सीसी से. सो नहीं हाँ गाइज यहाँ पे है सीसी के बॉलर्स यहाँ पे. सो 92% हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक निकाल लिया है. सो इनको मैं नहीं यूज़ करूँगा अभी, 2 विजार्ड 3 गोब्लिन 3 आर्चर्स को यूज़ ना भी करूँ तो अभी यार हम लोग इस बेस को आराम से 3 स्टार निकाल लेंगे. 95% हम लोगों ने यार अभी तक निकाल लिया है. सो गाइज ये वाली अटैक स्ट्रेटजी यार काफ़ी ओपी है इस बेस के ऊपर. अगर आपके सीसी में या वहाँ पे लावा हाउंड है या फिर कुछ भी ऐसा ट्रूप जो कि यार ग्राउंड ट्रूप को टारगेट करता हो अगर वो है सीसी में तो यार आप इस अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ करो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी. सो ये थी यार आज की पहली अटैक स्ट्रेटजी. सो हे गाइज एक बार फिर से यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड फिर से यार हम लोग इस बेस पे यार लाइव अटैक करने वाले हैं एंड आर्मी कंपोजिशन आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे हाफ ग्राउंड एंड हाफ एयर आर्मी यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरा यार मेनली टारगेट है कि यार जो ये 2 विजार्ड टावर हैं एंड एटलीस्ट यार 2 ए डिफेंस को मैं यहाँ पर निकाल लूँ. सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपने गोलम ड्रॉप्स कर देता हूँ एंड पीछे से छोड़ूंगा यार मैं अपने यहाँ पे विजार्ड्स एंड यहाँ पे अच्छा खासा यार फनल क्रिएट करना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं एंड एक जंप यूज़ कर रहा हूँ मैं एंड एक रेज, 4 यहाँ पे हेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, 1 पॉइजन यूज़ कर रहा हूँ एंड सीसी में है मेरे पास एक मैक्स लेवल की स्केलेटन स्पेल. सो अभी तक यार 13% हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया. सो यहाँ पे डालूंगा यार मैं जंप स्पेल डालूंगा गाइज. सो यहाँ पे जंप स्पेल मैंने डाल दिया एंड अपोनेंट की क्वीन को यहाँ पे निकाल लूंगा सबसे पहले एंड एटलीस्ट अपने को यार 2 ए डिफेंस यहाँ पे निकालने हैं एंड 1 विजार्ड टावर तो निकल चुका है. सो सेकंड विजार्ड टावर निकालना तो गाइज यहाँ पे मुश्किल है जहाँ तक मुझे लग रहा है यार, सेकंड विजार्ड टावर तो हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे एंड 27% हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया. क्वीन की एबिलिटी मैंने यहाँ पे पॉपअप कर दिया. 31, 32 एंड 2 जायंट बॉम्ब यार डबल जायंट बॉम्ब, अगर यहाँ पे होक्स होते तो यार अब तक तो होक्स का सफाया हो जाता गाइज. सो 40% हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया है. सो सेकंड विजार्ड टावर तो हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल पाए एंड सबसे पहले तो यार सीसी देख लेता हूँ यार मैं सीसी में क्या है.
अगर मे भी यार मैक्सिमम टाइम इसमें लावा ही होता है गाइज, आपको बता दूं मैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ यार मैं ड्रॉप अपने बैलून सैंड, पीछे से आएगा अपना मैक्स लेवल का एक लावा हाउंड, एंड यहाँ पे कर देता हूँ हेस्ट फटाफट से, ताकि फटाफट से यार कोर में चले जाएं अपने बैलून्स। एंड अभी मेरे पास एक लावा बचा हुआ है एंड 5 यहाँ पे बैलून्स बचे हुए हैं, सो यहाँ से आएगा एक लावा गाइज एंड पीछे से आएंगे बैलून्स अपने। एंड अभी मेरे पास बची है एक मैक्स लेवल की स्केलेटन स्पेल बची है, 2 अपने पास हेस्ट बची हुई है, 1 पॉइजन बचा है गाइज अभी भी, सो काफ़ी सही अटैक चल रहा है यार अपना। इस अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे गाइज इस बेस के ऊपर तो यार 100% यार 3-स्टार होगा ही होगा। अगर आपको यार ऐसा बेस मिलता है, अभी अपने पास एक मैक्स लेवल सॉरी फुल्ली साइज का अपने पास अभी लावा भी बचा हुआ है, सो काफ़ी सही अटैक जा रहा है। एंड अभी मेरे पास 2 स्पेल्स भी गाइज यहाँ पे बची हुई है, सो 66% हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया, काफ़ी सही अटैक जा रहा है। एंड स्पेल्स देख सकते हो गाइज अपने पास काफ़ी कुछ बचा हुआ है, अभी एक स्पेल बची है एंड मैक्स लेवल की स्केलेटन स्पेल बची है, सो काफ़ी सही अटैक हो गया। अगर मैं यहाँ पे हेस्ट यूज़ कर देता तो गाइज अपने यार बैलून्स की हेल्थ फुल रहती फिर, सो काफ़ी सही अटैक जा रहा है गाइज अभी तक 84% हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। एंड आराम से यार ये बेस तो 3-स्टार हो जाएगा। एंड गाइज अगर आप लोग भी यार इन अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो आराम से यार इस बेस को यहाँ पे निकाल लोगे। एंड फाइनली यार यहाँ पे सीसीज है, बॉलर्स निकल चुके हैं गाइज, सो बॉलर्स यार अपने ग्राउंड ट्रूप्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड एक फुली साइज का अपने पास लावा हुंड भी बचा हुआ है, अगर ये स्प्लिट हो जाता तो अब तक तो ये बेस 3-स्टार हो जाता। तो 95% हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, अभी तक 97 हो चुका है गाइज अब, सो आराम से यार ये बेस तो 100% हो जाएगा गाइज अपना। एंड अपने पास अभी 2 स्पेल बची हुई है, एक है हेस्ट एंड सेकंड है यार अपने पास मैक्स लेवल की स्केलेटन स्पेल, सो ये वाला बेस तो यार आराम से 100% निकल जाएगा। एंड गाइज आप भी यार इन अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ करो तो यार आप लोग भी यार इन बेसिस को आराम से 3-स्टार कर सकोगे, सो एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना गाइज। सो गाइज यही थी यार आज की ये वाली वीडियो, एंड आई होप यार आप लोगों को पसंद आई हो, एंड आशा करता हूँ यार आप भी इस बेस को आराम से 3-स्टार कर लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। एंड मुझे तो यार काफ़ी मज़ा है गाइज इस बेस को 3-स्टार करने में, एंड अच्छी बात यह है कि यार ये मेरा ही बेस था, मैंने इस बेस को बनाया था एंड स्मिथ भाई ने इसी बेस के ऊपर वहाँ पर वीडियो डाली थी, सो आज मैं ही यार आपको बता रहा हूँ कि आप इसे कैसे 3-स्टार कर सकते हो। सो यही थी गाइज आज की ये वाली वीडियो, आई होप यार आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो यार फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल दबाओ गाइज, नोटिफिकेशन बेल दबाना बहुत जरूरी है। एंड हाँ गाइज 30 लाइक्स का एम था तो प्लीज़ यार कंप्लीट करवा देना। सो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।